नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी के बारे में कुछ अंतर बताने जा रही हूं। शेड्यूल्ड कास्ट्स को हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। शेड्यूल्ड कास्ट में मुख्यतः उन जातियों को शामिल किया गया है जिन्हें लंबे समय से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मुख्य रूप से आदिवासी जीवन बिताने वाली जातियों को रखा गया है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में इनके लिए आरक्षण, आर्थिक मदद और सुरक्षा के लिए भी कानून आदि की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति का सरकारी नौकरियों में आरक्षण 15% है, जबकि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 7.5% है। भारत में 2011 में हुए जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% है। भारतीय संविधान में सन 1950 में 1108 जातियों को अनुसूचित किया गया था, जबकि 744 जनजातियों को अनुसूचित किया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स भी बनाई गई है। यह अनुसूचित जातियों के परिवारों को हक और सम्मान को देखते हैं। इस कमीशन को भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 के अंतर्गत बनाया गया है। ऐसे ही अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बनाया गया है। इस कमीशन को भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत बनाया गया है। तो यह थे कुछ मुख्य अंतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।